बॉलीवुड में जब भी कोई नया स्टार किड अपना करियर शुरू कर रहा होता है तो नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद की बहस तेज हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं है कि स्टार किड्स को लाइट्स, कैमरा और एक्शन विरासत में मिलने की वजह से शुरुआती संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ता, मगर अंतिम फैसला तो जनता का ही होता है, जो अपना हीरा चुनते समय इस बात को याद नहीं रखती कि फला एक्टर या फला एक्ट्रेस किसी सुपरस्टार का बेटा या बेटी है। जो जनता का दिल जीतता है वो ही जमाना जीतता है। स्टार किड्स को अपने पेरेंट्स की लेगेसी का बोझ और दर्शकों की अपेक्षाएं पहली ही फिल्म से पैकेज के रूप में मिलती हैं, और जब ये उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो दर्शक भी इन्हें ठुकराने में देर नहीं लगाते। ऐसे ही कुछ एक्टर्स जिन्हें फिल्मी दुनिया विरासत में मिली, मगर इस दुनिया में इनकी मौजूदगी महज गेस्ट अपीयरेंस बन के रह गई। ये मेहमान की तरह कभी कभी दिखाई देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही एक्टर्स के बारे में। पुरु राजकुमार। बात एक्टिंग के साथ स्टाइल और डायलॉग बाजी की हो तो राजकुमार के सामने शायद ही कोई ठहर सके। उनके बेटे पुरु राजकुमार ने 1996 की फिल्म बाल ब्रह्मचारी से बॉलीवुड में कदम रखा, मगर राजकुमार जैसा असर वो पैदा नहीं कर सके। आखिरी बार वो अजय देवगन की फिल्म एक्शन जैक्सन में दिखाई दिए थे। उससे 4 साल पहले सलमान खान की फिल्म वीर में भी पुरु नजर आए थे। जायद खान। अपने दौर के हैंडसम एक्टर प्रोड्यूसर संजय खान के बेटे जायद खान ने 2003 में फिल्म चुरा लिया है तुमने से फिल्मी पारी शुरू की थी, मगर जायद का करियर भी उस तरह शेप अप नहीं हुआ जैसा एक स्टार किड का होना चाहिए। जायद का पर्दे पर आना जाना लगा रहता है। बतौर लीड उनकी आखिरी फिल्म 2015 में आई शराफत गई तेल लेने हैं। राहुल खन्ना। विनोद खन्ना के छोटे बेटे राहुल खन्ना बॉलीवुड में गेस्ट अपीयरेंस ही देते हैं। राहुल की आखिरी स्क्रीन प्रेजेंस 2014 की फिल्म फायरफ्लाइज है। इससे पहले वो लव आजकल और वेक अप सिड में भी नजर आए थे, जो 2009 में रिलीज हुई थी। लव सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी फिल्मों और पर्सनालिटी के जरिए अलग ही मुकाम पाया है, लेकिन उनके बेटे लव सिन्हा का करियर पहली फिल्म के बाद ही ठहर गया। लव ने 2010 की फिल्म सदियां से डेब्यू किया, मगर उनका करियर कुछ साल भी नहीं चला। हालांकि डेब्यू के 7 साल बाद लव को जेपी दत्ता की फिल्म पलटन मिली, जो इसी साल रिलीज हो रही है। हरमन बावेजा। फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैरी बावेजा के बेटे हरमन बावेजा ने 2008 में लव स्टोरी 50-50 से डेब्यू किया था। इसके बाद वो 2009 में व्हाट्स योर राशि और विक्ट्री में भी नजर आए। हरमन को आखिरी बार 2014 में धिशकियाओं में पर्दे पर देखा गया था, मगर इस फ्लॉप के बाद हरमन अभी तक पर्दे पर नहीं लौटे हैं। जैकी भगनानी। जैकी भगनानी मशहूर प्रोड्यूसर वासु भगनानी के बेटे हैं। जैकी ने 2009 की फिल्म कल किसने देखा से बतौर हीरो पारी शुरू की। जैकी आखिरी बार 2015 की फिल्म वेलकम टू कराची में अरशद वारसी के साथ पर्दे पर दिखे थे। फिलहाल वो कभी कभार शॉर्ट फिल्म्स में दिख जाते हैं। महाअक्षय चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती हिंदी सिनेमा में उन एक्टर्स में शामिल हैं जिन्होंने अपने टैलेंट से नाम कमाया है, मगर बेटे महाअक्षय चक्रवर्ती पापा की कामयाबी और शोहरत से बहुत पीछे रह गए। 2008 में महाअक्षय ने जिम्मी से बॉलीवुड में डेब्यू किया। वो फिल्म तो फ्लॉप रही और उनकी आखिरी फिल्म इश्के दारियां है जो 2015 में आई, मगर महाअक्षय आज भी बॉलीवुड के गेस्ट स्टार ही हैं। फरदीन खान। फिरोज खान के बेटे फरदीन खान ने 1998 की फिल्म प्रेम अगन से बॉलीवुड में डेब्यू किया। शुरू से ही फरदीन का करियर वो रफ्तार नहीं पकड़ सका जिसकी उन्हें उम्मीद थी। फरदीन 2010 की फिल्म दूल्हा मिल गया में आखिरी दफा पर्दे पर दिखाई दिए थे। फिलहाल बतौर लीड एक्टर उनकी वापसी की संभावनाएं बहुत कम है। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।